नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। एक महिला की आपत्तिजनक फोटो तथा वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को थाने से गिरफ्तार किया गया है। तो बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को एक अनाथालय में रह रही दो छात्राओं के लिए तत्काल अनाथ प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि वे नीट 2022 परीक्षा में शामिल हो सके। वहीं भाजपा विधायक आशीष शेलार ने आरोप लगाया है कि मुंबई के बांद्रा पश्चिम क्षेत्र में एक भूखंड की कथित बिक्री से महाराष्ट्र सरकार के खजाने को 3000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसी बीच लाउडस्पीकर विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने फिर उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है। मनसे प्रमुख ने कहा है कि हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। तो उधर राकांपा सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि देश की विपक्षी पार्टियों में एकजुटता न होने का पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक महिला की आपत्तिजनक फोटो तथा वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को थाने से गिरफ्तार किया गया है। थाने पुलिस के अनुसार आरोपी गणेश उर्फ जीतू अशोक सुरवासे सोलापुर जिले का रहने वाला है और उसने 20 फरवरी 2019 से 10 मार्च 2022 तक के बीच कई बार महिला का बलात्कार किया। दरअसल सुरवासे ने जन्मदिन की पार्टी में महिला को अपने घर पर बुलाया था और उसके पेय में कुछ मिलाने के बाद उसका बलात्कार किया। इस दौरान महिला के आपत्तिजनक वीडियो बनाए और फोटो खींचे, इसका इस्तेमाल कर वो उसे ब्लैकमेल करता रहा। इस साल जनवरी में आरोपी को पता चला कि महिला किसी और से शादी करना चाहती है, तो उसने सोशल मीडिया पर उसे बदनाम करने का भी कई बार प्रयास किया। शिकायत के आधार पर सुरवासे के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया है कि आरोपी समीपवर्ती कर्नाटक में लगातार अपने रहने का ठिकाना बदल रहा था। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने गोवा से उसे गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि सुरवासे ने यही तरीका अपनाकर कई महिलाओं को ब्लैकमेल किया और उनका बलात्कार किया। पुलिस अब उन तमाम महिलाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, ताकि आरोपी के खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को एक अनाथालय में रह रही दो छात्राओं के लिए तत्काल अनाथ प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि वे नीट 2022 परीक्षा में शामिल हो सके। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संगठन द नेस्ट इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 मई को यह आदेश जारी किया है, जिसकी प्रति आज उपलब्ध हुई। ये एनजीओ बच्चों के लिए अनाथालय चलाता है। याचिका में कहा गया है कि अनाथालय की दो छात्राओं ने अनाथ प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए नवंबर वर्ष 2020 में मुंबई के जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आवेदन दिया था। उन्हें नीट 2022 की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने एवं MBBS की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इस प्रमाण पत्र की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी कि संबंधित कार्यालय के कई चक्कर काटने एवं फोन करने के बाद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इस पर सरकारी वकील पूर्णिमा कांठारिया ने अदालत से कहा कि आवेदनों में कुछ त्रुटियां एवं कमियां हैं, इसलिए प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अनाथ प्रमाण पत्र के लिए नवंबर वर्ष 2020 में आवेदन दिया गया, लेकिन संबंधित प्राधिकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही ये उल्लेख करना भी अहम है कि नवंबर वर्ष 2022 से अब तक अधिकारी आवेदनों में त्रुटियों के बारे में नहीं बता पाए। अदालत ने संबंधित प्राधिकार को 1 सप्ताह के अंदर दोनों छात्राओं को अनाथ प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि मुंबई के बांद्रा पश्चिम क्षेत्र में एक भूखंड की कथित बिक्री से महाराष्ट्र सरकार के खजाने को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बांद्रा पश्चिम में ताज होटल के बगल के सरकारी स्वामित्व वाले भूखंड को धोखाधड़ी तरीके से एक बिल्डर को बेचकर यह कारनामा किया गया है। सरकार ने झुग्गी बस्ती पुनर्वास की आड़ में इस भूखंड पर FSI को परामर्श के रूप में पेश कर बिल्डर को लाभ पहुंचाने में मदद की। राज्य सरकार ने बिल्डर को इस खाली भूखंड पर SRA योजना लागू करने की अनुमति दी है। उसके तहत बिल्डर इस जमीन पर 168 स्थायी ट्रांजिट कैंप मकान बनाएगा। ट्रांजिट कैंप मकान बनाने की आड़ में बिल्डर को SRA योजना के सभी लाभ दिए जाएंगे। शेलार ने दावा किया है कि यदि ये भूखंड 2 FSI के साथ खाली जगह के रूप में विकसित किया जाता है, तो डेवलपर को 1.90 लाख वर्ग फीट क्षेत्र मिलता है, लेकिन SRA योजना के तहत विकास करने पर डेवलपर को 3 लाख वर्ग फीट जमीन बिक्री के लिए मिलेगी, क्योंकि तल क्षेत्र सूचकांक FSI 4 होगा। 4 FSI के कारण इस भूखंड पर अब 42 मंजिला टावर
बनने की संभावना है। बिल्डर ने 28 करोड़ रुपए सरकार को एवं 234 करोड़ रुपए न्यास को दिए हैं और इसे भूखंड का मालिकाना हक मिला है। उसने औने पौने दाम पर यह बेशकीमती संपत्ति हासिल की है। शिलार ने कहा कि इस मामले की तत्काल जांच करने की जरूरत है क्योंकि इसमें परमार्थ आयुक्त के कार्यालय, जिला आयुक्त कार्यालय और बृहन्मुंबई के अधिकारियों के साथ साथ एक वरिष्ठ मंत्री शामिल है। लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से सीएम उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है। मनसे प्रमुख ने कहा है कि हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। उन्होंने मराठी भाषा में उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर उसे ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि सत्ता का कोई भी ताम्रपत्र लेकर नहीं आया है। सत्ता आती जाती रहती है, किसी के पास टिकती नहीं है। उद्धव ठाकरे, आपके पास भी सत्ता हमेशा नहीं रहने वाली है। 4 तारीख को लाउडस्पीकर को उतारने को लेकर जो हमारी मुहिम थी, उसके खिलाफ महाराष्ट्र भर के तमाम सारे महाराष्ट्र सैनिकों के ऊपर की पुलिस और सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मनसे प्रमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए अपने ओपन लेटर में मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। राज ठाकरे ने अपने ओपन लेटर में आगे कहा कि सरकार की यह कार्रवाई महाराष्ट्र के साथ पूरा हिंदू समाज देख रहा है। अभी तक लाउडस्पीकर को लेकर 28,000 मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है। उन्हें ऐसे ढूंढा जा रहा है मानो वो कोई आतंकी हो। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तड़ीपार जैसा व्यवहार किया गया, उन्हें जेल में डाला गया केवल मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने की मांग करने के लिए। पुलिस हमारे साथियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की ऐसी तलाशी कर रहे हैं जैसे कि वे पाकिस्तान के आतंकवादी हो। राकांपा सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि देश की विपक्षी पार्टियों में एकजुटता न होने का पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है। सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। साल 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी पीएम पद के दावेदार है, लेकिन विपक्ष के पास इस पद के लिए कोई मजबूत और सर्वमान्य उम्मीदवार नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो अगले चुनाव में मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। पवार का ये बयान इसीलिए अहम है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद काफी दिनों से चल रही है, हालांकि इसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। शरद पवार का साफ कहना है कि हमारे बीच के मतभेद की वजह से ये तीसरा मोर्चा नहीं बन पा रहा है, इसी वजह से देश को पीएम मोदी का विकल्प देने में देर हो रही है। इस विषय पर प्रत्येक बीजेपी विरोधी पार्टी को पहले अपने अंदरूनी मतभेद खत्म कर एक सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। उदाहरण के लिए हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव को ले तो कांग्रेस, टीएमसी और हम साथ थे, लेकिन कम्युनिस्ट अलग थे। अगर वो भी साथ में रहते तो काफी अच्छा होता। केरल की बात करें तो वहाँ कांग्रेस अलग है, एनसीपी, कम्युनिस्ट और अन्य पार्टियां भी अलग है। सबसे पहले हमें इन प्रश्नों को हल करना होगा। अगर ये हो गया तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस कानून को स्थगित करने के साथ साथ नया केस दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है। तो अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में आखिरकार खुद पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। वही फूड पॉइजनिंग की घटनाओं के बीच केरल से चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसी बीच चक्रवात असानी के बीच समुद्र से सोने का रथ मिला है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सुन्नापल्ली सी हार्बर में यह रथ देखा गया। तो उधर इंडियन रेलवे ने बेबी बर्थ की शुरुआत की है। यह बर्थ से बाहर की ओर लगी एक छोटी बर्थ होगी जहां बच्चे को सुलाया जा सकेगा। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद इस कानून को स्थगित करने के साथ साथ नया केस दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। तब तक केंद्र सरकार को इस कानून पर पुनर्विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन पर राजद्रोह का केस चल रहा है और जो जेल में है, वो जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से आईपीसी की धारा 124A के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करने का आग्रह किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कितने याचिकाकर्ता जेल में है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 13,000 लोग जेल में है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हमने इस मामले पर काफ़ी विचार किया है और अब हम इस मामले में आदेश दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि पुनर्विचार होने तक यह उचित नहीं होगा कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया जाए। हम आशा और विश्वास करते हैं कि केंद्र और राज्य आईपीसी की धारा 124A के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करेंगे।
अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में आखिरकार खुद पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। कश्मीर में युवाओं को भड़काने से लेकर एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या, हाफिज सईद के साथ मुलाकात, तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण में भूमिका, ऐसे कई आरोप यासीन मलिक पर लगे। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो लंबे समय तक खुला घूमता रहा। यासीन मलिक ने दिल्ली की अदालत में अपने सभी आरोप स्वीकार कर लिए। यासीन मलिक को अब सजा मिलनी तय है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में उसने अपना एक नेटवर्क स्थापित कर लिया था। उसके गुनाहों की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन किसी मामले को वह चुनौती नहीं देना चाहता। विशेष न्यायाधीश 19 मई को मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए सजा के संबंध में दलीलें सुनेंगे, जिनमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। विशेष न्यायाधीश की ओर से पहले कहा गया था कि यह स्थापित हो चुका है कि मलिक और अन्य को आतंकवाद के लिए प्रत्यक्ष रूप से धन मिल रहा था। दरअसल स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में यासीन मलिक ने नेटवर्क बनाया था। फूड पॉइजनिंग की घटनाओं के बीच केरल से चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक इस वायरल बीमारी ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाया है। खास बात यह है कि इन संक्रमितों की उम्र 5 वर्ष से कम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 80 से ज़्यादा बच्चे इस वायरल बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। रोकथाम के लिए मेडिकल टीम पहुंची है। कोयम्बटूर में प्रवेश करने वालों के बुखार, चकत्ते और अन्य बीमारियों की जांच तमिलनाडु केरल सीमा पर वायलार में की जा रही है। टीम की अगुवाई 2 मेडिकल अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा 24 सदस्यीय एक और टीम गठित की गई है, जो आंगनवाड़ियों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जाँच करेगी। टमाटर फ्लू एक अज्ञात बुखार है, जो अधिकांश रूप से केरल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया जा रहा है। इस फ्लू की चपेट में आने के बाद बच्चों के शरीर पर चकत्ते और छाले हो जाते हैं। ये निशान आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, जिसके चलते इसे टमाटर फ्लू कहा जाता है। कथित तौर पर फिलहाल इस मुद्दे पर बहस जारी है कि यह बीमारी वायरल फीवर है या चिकनगुनिया या डेंगू के बाद होने वाला असर है। यह बीमारी केरल के छोटे हिस्सों में पाई गई है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इसे रोकने के उपाय नहीं किए गए तो वायरस आगे फैल सकता है। चक्रवात तसानी के बीच समुद्र से अचानक निकले सोने का रथ देखकर सभी हैरान रह गए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सुन्नापल्ली सी हार्बर में चक्रवाती तूफान असानी के प्रभाव के बीच एक रहस्यमय सोने के रंग का रथ देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में समुद्र किनारे पर मौजूद लोग रथ को पानी से खींचकर किनारे पर लाते दिख रहे हैं। श्री काकुलम जिले के नौपाड़ा के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना की सूचना खुफिया विभाग को दे दी गई है। हो सकता है कि ये किसी दूसरे देश से आया हो। हमने इंटेलिजेंस और उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। बता दें कि भीषण चक्रवात असानी चक्रवाती तूफान में तब्दील होते हुए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है और राज्य के नरसापुर में 34 किलोमीटर भीतर तक इसका असर दिखाई दे रहा है। इस दौरान क्षेत्र में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने राष्ट्रीय बुलेटिन में बताया कि इसके अगले कुछ घंटों में उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। आज शाम तक एक बार फिर उसके जोर पकड़ने और नरसापुर, यामन, काकीनाडा, तूनी तथा विशाखापट्टनम तटों के साथ उत्तर, उत्तर पूर्व और धीरे धीरे बढ़ने और रात में उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में समाये जाने की संभावना है। किसी महिला को अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रेन के सफर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन की बर्थ एक आदमी के लिए ही काफी होती है। बगल में बच्चे को सुलाने के बाद माँ के लिए जगह नहीं बचती। बच्चे को किनारे सुलाने पर उसके गिरने का भी खतरा होता है। ऐसे में ज्यादातर माएं जाकर ही अपना सफर कर पाती है। अब इंडियन रेलवे ने बेबी बर्थ की शुरुआत की है। ये बर्थ से बाहर की ओर लगी एक छोटी बर्थ होगी जहां बच्चे को सुलाया जा सकेगा। अलग बर्थ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। दुनिया में ऐसा और कहीं भी नहीं है। रेलवे ने शुरुआत में टेस्ट के बतौर इसकी शुरुआत की है। अगर इसका अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आने वाले समय में और ट्रेनों में इसे लाया जाएगा। बेबी बर्थ को लोअर बर्थ में जोड़ा जाएगा। रेलवे ने ये विशेष सुविधा मदर्स डे के मौके पर शुरू की है। उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के DRM ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने बताया कि शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली से लखनऊ को जाने वाली गाड़ी लखनऊ मेल में ये सुविधा दी गई है। हालांकि रेलवे के इस फैसले का कुछ महिलाएं विरोध भी कर रही है। उनका कहना है कि किनारे की तरफ बेबी बर्थ देना बेकार फैसला है। एक यूजर ने लिखा कि महिलाएं आमतौर
तौर पर अपने बच्चे को दीवार की ओर सुलाती है। किनारे की ओर सुलाने से बच्चे के चोरी होने का खतरा होगा। कोलंबो स्थित भारतीय दूतावास ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि हिंसक प्रदर्शनों के बीच पॉलिटिकल लीडर और उनके परिवार भारत भाग गए हैं। साथ ही भारत ने कहा है कि श्रीलंका में भारतीय सेना को भेजे जाने की बात अफवाह है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर है। वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इस बार संसद के उद्घाटन सत्र में हिस्सा नहीं लेंगी। इसका कारण पैलेस की ओर से उनका खराब स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इसी बीच बुरी खबर यह है कि पंजाब में आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश में आतंकवादी संगठन जहां यूरोप से फंड मुहैया करवा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान से हथियार व नशे की खेप भेज रहे हैं। तो उधर चीन के शंघाई में कोविड टीमें संक्रमितों के घर पहुंचकर रोगाणुनाशकों का छिड़काव कर रही है। दुनिया भर की इन 5 खास और बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट ने अब वहां गृह युद्ध की हालत पैदा कर दी है। हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। वही रक्षा मंत्रालय ने दंगाइयों को लेकर शूट एट साइट का आदेश दे दिया है। इन सबके बीच कोलंबो में स्थित भारतीय दूतावास ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि हिंसक प्रदर्शनों के बीच पॉलिटिकल लीडर और उनके परिवार भारत भाग गए हैं। कोलंबो के भारतीय दूतावास की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया है कि श्रीलंका में स्थित भारतीय उच्चायोग उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करता है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि कुछ श्रीलंकाई नेता और उनका परिवार भागकर भारत चले गए हैं। हाई कमीशन ने मीडिया और सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी अफवाहों की ओर ध्यान दिया है। ऐसी रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी और झूठी है, इनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हाई कमीशन ऐसी खबरों का पूरी तरह से खंडन करता है। साथ ही भारत ने कहा है कि वह श्रीलंका में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई सेना नहीं भेज रहा है। बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों का विरोध उग्र हो चुका है और कई शहरों में हिंसक घटनाएं हो रही है। हिंसा करने वालों के खिलाफ शूट एट साइट के आदेश दे दिए हैं। श्रीलंका में 12 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर है। खबरों के मुताबिक उनके ब्रेन में शिकायत है और सेरेब्रल एनिरिज्म नाम के जिस रोग की चर्चा हो रही है वह मेडिकल साइंस के नजरिए से एक जानलेवा रोग है। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कयास लगते रहे थे लेकिन कम्युनिस्ट तानाशाही देश से सटीक बातें सामने आ पाना हमेशा से समस्या रही है। वैसे जानकारी है कि 2021 के आखिर में उन्हें इसके इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। हालांकि उन्होंने सर्जरी के बजाय चीन की परंपरागत चिकित्सा पद्धति के मुताबिक इलाज करवाना बेहतर समझा। उस समय उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही थी क्योंकि उन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक होने तक कोविड-19 के संक्रमण फैलने के बाद से दूसरे देशों के नेताओं से मिलने से परहेज किया था। इससे पहले मार्च 2019 में जब जिनपिंग इटली गए थे तो उनकी चाल असामान्य देखी गई थी और लग रहा था कि वह लंगड़ा रहे हैं। उसके ठीक बाद जब वे फ्रांस पहुंचे तो देखा गया कि उन्हें बैठने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ रही थी। 2020 के अक्टूबर में जब वे शेंजन में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके आने में हुई देरी, धीरे धीरे भाषण और खांसी ने भी इन कयासों को बल दिया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब चीन कोरोना का भयंकर संकट झेल रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने की स्थिति में है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इस बार संसद के उद्घाटन सत्र में हिस्सा नहीं लेंगी। इसका कारण पैलेस की ओर से उनका खराब स्वास्थ्य बताया गया है। महारानी के शासनकाल में यह तीसरी बार होने जा रहा है जब क्वीन संसद के उद्घाटन सत्र का हिस्सा नहीं बनेगी। 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आमतौर पर अक्सर ब्रिटेन के बड़े संसदीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करती है। वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक सोने के सिंहासन से अपनी सरकार के विधायी कार्यक्रम के पढ़कर सुनाती है लेकिन इस बार वे खराब स्वास्थ्य के कारण वे ब्रिटेन के संसद के उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं हो पाएगी। डॉक्टर की सलाह पर बंकिंगम पैलेस की ओर से यह निर्णय लिया गया है। क्वीन की अनुपस्थिति में उनके बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स भूमिका निभाएंगे। वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सिंहासन से ब्रिटेन के विधायी कार्यक्रमों को पढ़कर सुनाएंगे। पिछले करीब एक साल से क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शायद ही कभी देखा गया। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने खुद को ऐसे कार्यक्रमों से काफ़ी दूर रखा। इससे पहले बहुत कम ऐसे अवसर है जब महारानी की ब्रिटेन के किसी महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थिति न रही हो। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन में 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ शासन किया। इस दौरान केवल 2 अवसर ऐसे आए जब वे इस तरह के किसी उद्घाटन के अवसर में शामिल होने से चूकी हो।
पहला साल 1959 और दूसरा 1963 में, जब वे प्रिंस एंड्रू और फिर प्रिंस एडवर्ड के साथ गर्भवती थी। पंजाब में आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश में आतंकवादी संगठन जहां यूरोप से फंड मुहैया करवा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान से हथियार व नशा। सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में बैठकर पंजाब के युवाओं को डॉलर भेजने का लालच देकर देशद्रोही गतिविधियों के लिए उकसा रहा है। दूसरी ओर जर्मनी के रहने वाले गुरमीत सिंह बग्गा व भूपिंदर सिंह, यूके के रहने वाले परमजीत सिंह पम्मा, कनाडा के रहने वाले हरदीप सिंह निज्जर यूरोप में से फंड जमा कर आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों के मुताबिक जर्मनी में छिपा खालिस्तानी आतंकी गुरमीत सिंह बग्गा होशियारपुर जिले का रहने वाला है। बग्गा के छोटे भाई गुरदेव सिंह उर्फ प्रायटी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजने का आइडिया खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के प्रमुख सदस्य गुरमीत सिंह बग्गा उर्फ डॉक्टर का ही है। यह आइडिया उसे जर्मनी व आसपास के इलाकों में ड्रग्स डीलरों द्वारा तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने से मिला था। उसने इसे पाकिस्तान में रंजीत सिंह नीटा के साथ शेयर किया और ISI को बग्गा ने ही यूके से पूरे टिप्स दिए कि कैसे हथियारों को ड्रोन के जरिए भारत में गिराया जा सकता है। बग्गा यूरोप में खालिस्तान की पूरी साजिश तैयार कर रहा है और उसने काफी लोगों को इस नेटवर्क से जोड़ रखा है। परमजीत सिंह पम्मा NIA की लिस्ट में वांटेड आतंकी है। उसके खिलाफ कई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उसे केंद्र सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। चीन की सख्त जीरो कोविड रणनीति के तहत ओमिक्रॉन का प्रसार रोकने की कोशिश की जा रही है। शंघाई में कोविड टीमें संक्रमितों के घर पहुंचकर रोगाणुनाशकों का छिड़काव कर रही है। इस बीच शंघाई प्रशासन ने मंगलवार को उन दो सबवे लाइन पर भी सेवाएं निलंबित कर दी जो अभी तक संचालन में थी। शहर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसकी सभी प्रणालियों को बंद करना पड़ा है। ताज़ा उपाय ऐसे समय में किए गए हैं जब शंघाई प्रशासन ने बीते कुछ हफ्तों में लोगों को सीमित खरीदारी के लिए बाहर निकलने की अनुमति देने के बाद कुछ जिलों के लोगों को एक बार फिर अपने घरों में रहने के आदेश जारी किए हैं। शंघाई में सोमवार को रोजाना दर्ज होने वाले नए मामलों की संख्या 3000 के आसपास पहुंच गई है, जो मध्य अप्रैल में प्रतिदिन सामने आ रहे औसतन 26000 मामलों से कहीं कम है। शहर में COVID-19 से 6 और मरीजों की मौत होने से वहां संक्रमण से अब तक होने वाले मौतों का आंकड़ा बढ़कर 553 पर पहुंच गया। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि चीन की जीरो कोविड रणनीति कारगर नहीं है क्योंकि यह वायरस लगातार विकसित हो रहा है। कड़े प्रतिबंधों ने लोगों की जान बचाई है, लेकिन उन्होंने भोजन की कमी, श्रमिकों की कमी और आंदोलन को भी जन्म दिया है। बता दें कि शंघाई के 2.5 करोड़ लोगों में से अधिकांश को हफ्तों तक घर में बंद कर रखा है क्योंकि चीन महामारी शुरू होने के बाद से देश के सबसे खराब प्रकोप का मुकाबला कर रहा है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।